लाइव श्रृंखला में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका हमने नाम दिया है आपकी मेरी बात। इस संवाद कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्रों के उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कुछ मौलिक अनुभव रखते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और कई ऐसे दायित्व हैं जिनके लिए निभाते हुए वो पहचाने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज की इस हमारे बीच हमारे टोंक शहर के नगर परिषद के जो सभापति हैं, चेयरमैन हैं, श्रीमान अली बाबा अहमद साहब, वो आपसे मुखातिब होंगे और मैं उनसे शुरुआत करने के लिए आग्रह करता हूँ। जयवंत साहब, ये बताइए कि थोड़ा सा ये कि ब्रीफिंग में कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें ताकि सब लोग जान सके। जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार है मेरा जी, सलाम आदाब सत श्री अकाल। और आपके इस मंच के माध्यम से हमें मौका मिला फेसबुक लाइव पे लोगों से जुड़ने का और कुछ बातें हमारी उन तक पहुंचाने का जी। तो मैं यही कहूंगा कि मैं टोंक से बिलोंग करता हूं और मेरी फैमिली भी टोंक से ही है, और मुझे ये मालिक ने अवसर दिया कि मैं इस पोस्ट के लिए मुझे लोगों ने चुना है, मुझे वोट दिए ठीक। और मेरा यही लक्ष्य है कि मैं सबके लिए ईमानदारी से ये अपने जो भी नगर परिषद की लाइबिलिटीज में काम आते हैं मैं वो ठीक से कर सकूं जी। बाकी मैं रहा यहीं पे हूँ टोंक में, कुछ स्टडी मैंने टोंक में भी करी मैनुअल स्कूल में, फिर उसके बाद हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए। मेरी कॉन्वेंट स्कूल हुआ करता था एक, उसमें पढ़े जी। फिर उसके बाद हमारे फादर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए हम जयपुर रहा करते थे जी। फिर आए यहीं पे टोंक में और साधारण जिंदगी गुजार रहे हैं सर। क्या खूब बात कही आपने, आप तो नवाब फैमिली से जी व्यवस्था है। जो नवाब इब्राहिम अली खान थे जी साहब, जिन्होंने टोंक में सबसे ज्यादा रूलिंग किए, वो मेरी दादी के फादर थे, मेरे डैडी के नाना जी। तो लेकिन अब हमने अपने आप को कभी उस तरह से नहीं रखा, ना मम्मी ने हमारी ना डैडी ने ऐसी परवरिश करी कि कोई आप बस नॉर्मल हम एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी गुजारे। आप अन्यथा ना लें तो बात शुरू यहाँ से भी हो सकती है, क्योंकि टोंक को लेकर आम जन में और टोंक से बाहर जो लोग हैं उनकी सोच के लिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ सामने ये प्रश्न आते रहे हैं कि हमारा टोंक हेरिटेज के मामले में या जो हमारी पूरा संस्कृति है उसको संरक्षण को लेकर हम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे या ज़्यादा अवेयर नहीं रहे, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कहेंगे जी, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि उन साहब ने या इन साहिबा या किसी ने भी उस चीज को इग्नोर किया। लेकिन वो तो हुआ है, वो हो गया। लोगों ने अपनी, आजकल कंपटीशन का इतना जमाना है कि लोग ये जो हमेशा अमर रहने वाली चीज है उसको भूल गए जी, जी, जी। तो अब हम वो कोशिश करेंगे, मैं अकेला ही कुछ नहीं, मुझे सब टोंक वाले आप सब लोगों का साथ चाहिए कि मैं हम मिलके जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ बहुत खूबसूरत दरवाजे नवाब टाइम के बने हुए हैं जी, जी, जो खम्बोर गेट और काफला दरवाजा जी, गेट जी, नौशेमिया का वो सब दरवाजे, नायब साहब की नाल है जी, बहुत सारे दरवाजे ऐसे। तो हमने उसको आते ही जब मैं चेयरमैन बना था तो हमने उनका सर्वे करवाया था ठीक है, और ये एक शौक था कि हम चाहते कि वो मुझमें कि वो हेरिटेज चीजें अपनी निकल कर आए, कोई टूरिस्ट कोई बाहर से आए तो वो देख सके जी, जी। तो उसके लिए हमने पूरी डीबीआर बनवाई है और कम से कम 14 या 15 दरवाजे ऐसे हैं जिनको हमने चिन्हित करा है, उनको हम बहुत खूबसूरत तरीके से बनवाएंगे, बनवा के उनमें हेरिटेज कलर पेंट करवा के उसमें, और रशिया की टेकरी है जैसे जी जी, वो बहुत ही मेरे ख्याल से राजस्थान में एक ऐसा
हिस्टोरिकल चीज है कि वो पहाड़ पे टेकरी, तो हमारी उसके लिए भी मैंने टेंडर निकालने के लिए बोल दिया है कि आप निकालें उसको, रेनोवेट करवा के हम पेंट पेंट करवाएंगे। और उसका पहले भी वो हुआ था मुझे जहां तक ध्यान है जी, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी रही कि उसको मॉनिटरिंग करने के लिए चौकीदार की जरूरत है वहां पे, क्योंकि लोग अक्सर जाते हैं चीजें तोड़ देते हैं। तो मैं प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज प्लीज कोई भी चीज जो गवर्नमेंट बनाए उसको आप खराब जन सहयोग, जन सहयोग मुझे पब्लिक का भी सपोर्ट, तभी वो चीज मेंटेन रह पाती थी। सुना है आपने भी सुना होगा, हम जब टोंक में यहाँ आए 30-35 साल पहले, तो जाने कितने 30-35 बागों का शहर कहलाता था, मेहंदी बाग और नजर बाग और फूल बाग और जाने कितने बाग, गुलजार बाग, खाला साहब का बाग, मोती बाग, मेरा घर, बेगम बाग जी। तो अब वो बाग तो नजर ही नहीं आते हैं सब। वो क्या रहा कि लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी, जरूरतें बढ़ती रही कि लोगों ने सोचा भाई बाग, अब बड़े बड़े पेड़ है, इमलियों के कैची पेड़ हुआ करते थे, तो जैसे जैसे जमाना मॉडर्नाइजेशन होता रहा तो लोगों ने वहां प्लॉटिंग भी करी कि यूटिलाइज कर सके कोई बिजनेस पर्पस से, और किसी ने एग्रीकल्चर खेत बना लिए, जैसे हमारी तरफ भी हैं जो खेतों में डेवलप हो गए वो बाग जी। तो लेकिन अगर जैसे यहाँ यूपी की तरह कल्चर होता कि आमों की अच्छी फसल होती, तो यहाँ पे जैसे वहाँ आज भी बरकरार है ननिहाल में, तो आमों के बाग लोगों ने रखे और बहुत अच्छी रेवेन्यू होती अच्छी है, अच्छी फर्टिलिटी है, अच्छी कमी है, ऐसी बात नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर यहाँ से ही हम शुरुआत करें आगे प्रश्नों की, तो जो कुछ बचा है हमारा जीवन ये भी कहता है हमसे कि जो कुछ बचा है उसे ही संभाल लें। बिल्कुल, तो अपने शहर में कुछ तो ऐसा है कि जो बचा है, और एक बड़ा प्रश्न चल रहा है जैसे चतुर्भुज तालाब जी, हाँ पिछले भी कार्यकाल में ये 5 साल निकल गए, मैं अपने चतुर्भुज पे कुछ निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आज से तकरीबन महीना भर पहले हम लोगों ने स्पेशली चतुर्भुज का तालाब और तेनियों का तालाब, ठीक है, उसका हमने विजिट किया था, जिसमें मैं था और PWD के ऐसी थे, कलेक्टर साहब वगैरह हम सब थे जी। तो हमने उसी टाइम ये तय किया था कि भाई पहले चिन्हित कर लें कौन कौन सी जगहों पे हमें रेनोवेट करवाना है, चीजें कुछ अतिक्रमण हुए हैं वो नॉलेज में है हमारे, बिल्कुल से। तो हम बहुत ही जल्दी चतुर्भुज तालाब सबसे पहली प्राथमिकता रहे कि हम उसको डेवलप करने के लिए हमने अभी एक टेंडर निकाल रहे हैं जिसमें हमें पेड़ लगाने हैं, तो वो पेड़ों के लिए भी वहाँ पे बारिश का सीजन है, तो पेड़ों का पौधरोपण करना बहुत जरूरी है, तो वो कर रहे हैं हम। और तेलियों का तालाब है पीछे, उसके लिए भी लाइटिंग और सफाई चल रही है उसमें भी, और उसमें कुछ एक दीवार थोड़ी बननी बाकी है, वो मैं खुद मौके पे जाके देख कर आया था, उसको भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। और आज का जो था एक न्यू तलाई है अपना तालाब, उसमें भी आज सफाई का कार्य हुआ है, और वो पूरा भैया रफीउल्लाह बेग की तरफ से होता हुआ जाता है जी। वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, शिकायत थी, तो हम जैसे ही हो रहा है उस चीज थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। चतुर्भुज तालाब को लेकर बहुत लोगों में उत्सुकता है। देखिए लोग, एक तो उसमें बीच में छतरी जो वो बनी हुई है वो हेरिटेज, जैसे कि आपने कहा वो थोड़ी डैमेज हो गई है, उसके लिए आज मेरी एक्सियन साहब से बैठ के बात हुई है कि भाई उसको हमें टेंडर करना है, और उसको जो बना सके उसी स्ट्रक्चर, हमें नहीं बिगाड़ना है उसी स्ट्रक्चर को, जो कर सके जो कारीगर होते हैं पुराने वो मेंटेन रखें। और कुछ वहां पे ऐसी शिकायत है कि कुछ जो उधर पत्थर की माइनिंग का जो काम चल रहा था, तो वो जो पानी आता था उसमें भरा रहता था, वो रुक गया, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने कहा था कि जो के शर्मा थे जब वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं बुला के उनसे बात करूंगा। अब हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं, गौरव अग्रवाल साहब, तो हाँ वो बहुत टॉपर हैं IAS के, और मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि वो करेंगे काफी। मेरा एक छोटा सजेशन है, जैसे अपने यहाँ कुछ बेगमा के नाम को लेकर कुछ बड़ी बिल्डिंग्स है जी, है ना जी, तो क्यों नहीं एक एक लोकल आदमी को तो पता है जी, लेकिन जो बाहर से आता है तो उन बिल्डिंगों के बाहर उनसे वावस्ता एक नेम प्लेट जैसी, या छोटा सा ये जैसे अपन इनडायरेक्टली पूरा महत्व की बात बता दें
कि ये फलानी बेगम की हवेली थी, यहाँ वो रहा करती थी, ये उनका काल था, समय था, इससे तक रहेंगे, थोड़ा सा उनकी ब्रीफिंग इसकी। और एक एक नेम प्लेट, जैसे ब्लू नेम प्लेट लगती है एक तरह की अपने ऐतिहासिक जगहों पर, ऐसी अगर लगाएं शहर में तो भी शायद ये नई एक बात हो सकती है और लोगों की जानकारी भी आती है। इसके लिए सत्यनाथ साहब, इसके लिए जैसे कि आप रहते हैं उस बिल्डिंग में, सपोज वो आपने ले ली, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गई आपके पास, तो वो या तो हम नगर परिषद द्वारा की बहुत उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई हम अपनी तरफ से एक प्लेट ये लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगाने दें यहाँ पे, ऐसा हम कुछ प्रयास मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कोई मना नहीं करेगा, सब समझदार लोग हैं ऐसी कोई बात आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हाल ही में मेरी मुलाकात जो जामा मस्जिद के सदर हैं मिर्जा रिजवान साहब जी, उनसे भी मुलाकात हुई, तो उनकी और हमारी यही डिस्कशन चल रही थी, तो वो कह रहे थे मैं खतर पे ही है। हाँ, हाँ, हाँ। वो नाम पूरा कि ये मस्जिद जो थी, हाँ। किसने तामीर करवाई और कौन, और इसका बहुत बड़ी अच्छी हिस्ट्री है इसके, तो बहुत अच्छी हिस्ट्री, और पूरे राजस्थान में ऐसी मस्जिद नहीं, नहीं है सर। तो ये है ऐसे फाउंडेशन स्टोन रखा गया, वो भी एक इतिहास है, इतिहास था ये। और एक वो मंदिर अगर आपको ध्यान हो, नवाब साहब ने साथ साथ नींव रखवाई थी जो डीसीसी के पीछे की तरफ है, तो ये होने चाहिए। चलिए अब दूसरी बात आती है, बरसात का मौसम है और शिकायतें ये आ रही हैं कि आप तो करवा रहे हैं जी, ऐसा नहीं कि आप रुके हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो जनजीवन को परेशान करते हैं, क्योंकि वो चौक पे हैं, उनकी सफाई होना टाइम से बहुत जरूरी है, वरना हमारे शहर में थोड़ी सी बिल्कुल परेशानी आ सकती है। और मैं खुद इस चीज से बहुत फिक्रमंद हूँ कि लोग परेशान होते हैं और पानी वाकई घरों में आ जाता है लोगों के, तो मेरा खुद रोज रेगुलर नालों के ऊपर जो टीम लगाई हुई है उनको मॉनिटरिंग में खुद भी करता हूँ, और जैसे ही जो भी नाले वन बाय वन क्या होता है कि वो टीम कहती है सर, जैसे आपका फोन आया सर हमारी तरफ का नाला बंद है, ठीक है, और काम अभी जैसी भी चल रही है वो फला दूसरे एरिया के नाले में, तो उसको कंप्लीट अगर नहीं करवा के मैं टीम से कहूंगा आप क्या आ जाओ, उत्सव फिर बिगड़ जाता है। तो कुछ रेडी वाश का जैसे एक नाला था, वो इतना बड़ा नाला था पूरे शहर का, पूरे शहर को संकट पैदा कर देता वो, तो उसमें 10 से 12 दिन हमारी टीम को उसमें लगे, पेड़ उग गए थे उसमें बड़े बड़े, वो सब कटे हैं, और पूरा प्रयास है हमारा कि टोंक के लोगों को कोई परेशानी, हालांकि मैं कोई इंसान ही हूँ, जादूगर नहीं हूँ, तो कोशिश मेरी पूरी है कि बेस्ट से बेस्ट और जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि खास तौर से टोंक के आम जीवन से जुड़ी बात, तकलीफें बर्दाश्त करने में माहिर है, लेकिन अगर उन्हें ईमानदारी भरा आश्वासन मिल जाए कि वी आर डूइंग इट, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये संबल होता है आश्वस्त रहने का कि हमने जिसको चुना है वो हमारे साथ है। मैं साधन सीमित हो सकते हैं, समय लग सकता है, ये आश्वासन बना रहना चाहिए आम जन में, ये बड़ी बात है। आपके इस जन सरोकार मंच के माध्यम से मैं सभी लोगों से जो अभी देख रहे होंगे और जो बाद में देखेंगे जी, उनको ये अपनी तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं जो चेयरमैन बना हूँ तो मैं किसी और चीज के लिए नहीं, मेरा सिर्फ एक गोल है कि लोगों के काम करना है जी, और ज्यादा से ज्यादा जो फैसिलिटी मेरे जरिए देता सब ऊपर वाला है, ठीक है, जो भी जिसको देना होता है, लेकिन जरिया इंसान होते हैं, तो मैं मेरे थ्रू जो भी फैसिलिटी लोगों तक पहुंच सके मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि कहीं पे कुछ चीजें मेरे भी हाथ में नहीं होती है कि कुछ कहना पड़ता है, फाइल होती है, अच्छा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट के जी, बिल्कुल। तो हमारा यही है कि लोगों के लिए काम कर, अब अपन थोड़ा सा इस बात का पक्ष बदलते हैं, नगर परिषद है और इसका इतिहास भी बड़ा अजीब रहा है, और बहुत कम से कम व्यवस्थाओं से ज्यादा आर्थिक संकट से गुजरी है, इतिहास ये बता रहा है, कई लोगों की तनख्वाहें, और वो ऐसे तबके के लोगों की तनख्वाहें जो रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, और ऐसा जीवन उनका है कि वो अगर वो ना करें तो पूरा शहर जो है गटर पाइपलाइन बन जाए,
उनकी भी तनख्वाहें रुक गई थी बड़े पैमाने पर, आर्थिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा मामला था। तो अभी आप वर्तमान स्टेटस क्या है इस बारे में बताएंगे? आज जैसे कि आपने तनख्वाह, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सफाई कर्मचारी नालियों में गड्ढों में हर तरह जाके अपनी जान को जोखिम में डाल के भी बड़ा काम करते हैं, उनके लिए आज मैं 40 लाख रुपए का ही चेक साइन कर आया हूँ। क्योंकि त्योहार आ रहा है, मुझे ये चीजें भी देखनी है, राखी आ रही है, तो उसकी वजह से मैंने जो भी हमारा अभी जो हम रेवेन्यू होता है नगर परिषद का, वैसे कोई ऐसा बजरी का पहले हुआ करता था, वो बंद हो गया काम। अच्छा, उससे बहुत सपोर्ट था। तो हमारा जो भी अकाउंट में फंड आया, तो मैंने पहली फुर्सत में उनके लिए वो चेक आज ही साइन किया कि उनको वो सैलरी टाइम पे पहुंचाए। तो और पहले भी कुछ चीजें जब हमने बोर्ड मैंने संभाला था, तो 9 महीने की तनख्वाहें उनकी ड्यू थी। सबको पता है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कह रहा हूँ। अब वो क्यों हो गई, मैं उन चीजों में नहीं बोलना चाहता कि इसने करी या कैसे हुई, वो ठीक है, सिस्टम होता है, लेट हो गए जो भी था। लेकिन मैंने आते ही सबसे पहले उन्होंने बात करी, 2 महीने की तनख्वाह दी कि भाई इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वो लोग सब खुश हुए, और जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं अभी तक शायद किसी ने की हो, बट मुझे जहां तक लोगों ने बताया कि मैंने जितने कर्मचारी थे और जितने उनके सुपरवाइजर थे जमादार जी, उनको मैंने अग्निशमन में बुला के अंदर एक मीटिंग ली। ठीक है, पहली बार उन्होंने भी मेरा स्वागत किया, साफा बांध के मैंने भी उनको वेलकम किया। तो एक अच्छा, सबसे क्योंकि पता होना चाहिए कि जो कर्मचारी, उन्हें पता नहीं हमारे चेयरमैन को हमने देखा ही नहीं था, तो इसलिए मैंने उन सबको फौरन बुला लिया था कोरोना COVID-19 के शुरू होने से पहले। तो काफी वो लोग खुश रहे थे, और मैंने उनकी सैलरी के लिए उस टाइम पे भी वो परेशान थे। तो ये किया, बाकी हमारा अभी ये चल रहा है। अभी जैसे हमारा अभी रेवेन्यू का जो था पट्टे, जो रजिस्ट्री के और जो होते हैं एग्रीमेंट के, वो हमने शुरू करे, तो उससे कुछ हमारी रेवेन्यू की बढ़ी हुई है। और अभी हमारे नए निर्वाचित कमिश्नर साहब आए हैं, सचिन यादव साहब, यंग हैं, अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, तो उनको भी मैंने यही कहा है कि आपको और हमें मिलके काम तो सब हम टीम के होते रहेंगे, लेकिन पैसा नहीं होगा हमारे पास तो हम कैसे काम कर पाएंगे पब्लिक के लिए ना। तो हमने वो रेवेन्यू के लिए जो टैक्स होते हैं और जमीन से कैसे और IDSMT के जो प्लॉट्स हैं उनको ऑक्शन करने, उनको मैंने वापस से शुरुआत की। कोई ऐसा भी प्रस्ताव आया आपके पास या आपके जहन में आया कि इसका रेवेन्यू कैसे और बढ़ा सकते हैं? देखिए, एक हमने इस बार भी टोंक में शुरू हुआ है पहली बार, जो जितना भी टोंक का कचरा है जी, वो हम डंपिंग यार्ड में ले जाके, ठीक है, चराई में, वहां उसको डंप कर रहे हैं, और डंप करके उस कचरे का खाद बना, अच्छी बात, जिस खाद को कहते हैं जैविक खाद, हाँ, वो बन रहा है और वो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अच्छा। मैं खुद विजिट कर आया था। अभी हमने उसको टेस्टिंग के लिए सांगानेर में कोई एक लैब है, वहाँ भेजा हुआ है, ठीक है, वो वहां से अगर उम्मीद यही है कि वो बिल्कुल अच्छा सर्टिफिकेट के साथ में आएगा, तो उसमें भी टॉप इस चीज में नंबर वन रहेगा। और हमारे जो DLP डायरेक्टर थे उज्ज्वल राठौर साहब जी, उन्होंने काफी नगर पालिकाओं और नगर परिषद को उन्होंने ये मॉडल के लिए उन्होंने कहा कि आप टोंक से देखिए, बहुत अच्छा कि कचरे का उन्होंने वेस्टेज नहीं हो रहा, बल्कि शहर में पहला बिकता था कचरा, डंपिंग यार्ड यहाँ पे होता था अग्नि IDSMT में, यहाँ से हमने बंद करवा दिया, ठीक है, और ताकि कॉलोनी के लोगों को अच्छी आबो हवा आए कचरे से, तो और गलत होता है, तो ये सब प्रयास चल रहे हैं। एक बहुत अहम बात है जो बहुत सालों से रुकी हुई है जी, और वो आम आदमी से कम हर उस आदमी से जुड़ी हुई है उसके जीवन के साथ, जो जिसके जीवन में मांसाहार है, नॉन वेज जी इस्तेमाल। एक जमाने में हुआ करता था कि बकायदा एक स्लॉटर हाउस है और वहाँ जो है एक डॉक्टर अपॉइंट है, मेडिकल टीम है, और जो पशु वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, और डॉक्टर उनको चेक करता है कि वो स्वस्थ हैं, और फिर वो मार्केट में। काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि स्लॉटर हाउस तो बंद हो गया,
और जो जितना भी मांस बाजार में बिकने आता है उसका कोई मॉनिटरिंग तो होती नहीं है। कसाई अपनी मर्जी से जानवर लेता है, उसको इस्तेमाल करता है, उसको बेचता है, वो जानवर बीमार है या स्वस्थ है। पहला प्रश्न तो ये है कि वो जिस आदमी के पास जा रहा है वो मेडिकली टेस्टेड नहीं है, एग्जामिन नहीं है। तो मेरा एक तो ये बात है जो आपसे बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत बताऊंगा सारे लोगों की इसके है, बारे में। इस बारे में आप कुछ इस मेडिकली उससे देखिए, एंगेज कर सकें। जो चीज़ आपने अभी स्लॉटर हाउस के लिए बारे में कही कि मांस कटता है, मैं उसके खुद बहुत खिलाफ हूँ। ठीक है, और आज से 2013 में नगर परिषद द्वारा जो मॉडर्न स्लॉटर हाउस खोलने की हाँ, प्रक्रिया चली, जमीन भी उसमें जमीन भी अलॉट कर दी गई थी नगर परिषद चिलौंज की तरफ, मालूम है। 16 बीघा समथिंग वो जमीन थी, उसकी रजिस्ट्री भी उस कंपनी को करा दी थी नगर परिषद ठीक ने। है, लेकिन कुछ वजुहात ऐसे रहे कि वहां पे कुछ, अब कुछ पहल करने जाओ तो एक दूसरे कुछ लोग आके हाँ उसको रोकने के लिए हाँ कोशिश ये तो करते हैं। नेचुरल है, देखो तो प्रकृति उस का टाइम खेल पे है। वो कलेक्टर साहब के पास कुछ हाँ लोग गए और जाके उन्होंने कहा नहीं साहब यहाँ पे, उन्होंने गलत कुछ बयान उनको हाँ समझाया और कलेक्टर साहब शायद सीधे थे, हाँ सज्जन आदमी, हाँ उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया ठीक है, उठा के। फिर वो बात आई गई चली गई, उसके बाद फिर बोर्ड बना, उसमें भी इस चीज को नहीं। लेकिन मेरे बोर्ड में बनते मैंने कलेक्टर साहब से इस बारे में बात करी थी कि ठीक है, सर मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो स्लॉटर हाउस बिल्कुल होना जिसमें से चाहिए, 400-500 लोगों को तो रोजगार रोजगार मिलेगा मिलेगा, और टोंक के टोंक में हाइजेनिक चीज लोगों तक पहुंचेगी और पहुंचेगा। आगे भी जाएगी। ये तो तो वो उनकी उनकी जिंदगियों से एग्जैक्टली जुड़ी बात जी जी है। बिल्कुल। और ये जो बाजार में या कहीं धन्ना तलाई पे आप देखें पूरा लाल मालूम वो है, पानी आ रहा था, हाँ उसके बिल्कुल, लिए जयपुर से भी लोगों के फोन आए कि भाई बहुत ज्यादा ये बहुत हो रहा है, ज्यादा तो हमने टेंडर निकाला कि उसका जो पौन नला है वो तो हो जाए ताकि वो नहर की तरफ निकल कनेक्टिविटी मिल जाएगा। जाएगा और निकल जाए। तो अब लोगों के देखिए उनकी गलती नहीं है, जब उनको कोई जगह नहीं मिल रही तो वो अपने वो तो घरों में घरों में ही ही कर कर रहे रहे हैं, उनका हैं, बिजनेस है, उनके हाँ वो कोई इस चीज से वो करेंगे। नहीं, और ये सभी तरफ होता है। तो मेरा ये मानना है कि मेरी कोशिश रहेगी कि हम फिर वापस उसको नंबर पे लाएं, जो जी नगर परिषद की तरफ से जो भी चीजें हैं बिल्कुल वो हम बिल्कुल अखबार में निकाल के एक मॉडर्न एविटर यहाँ पे डेवलप बिल्कुल हो, बिल्कुल। और तो दिल्ली की या जो भी एक्सपीरियंस कंपनी ठीक जो है, चलाना जानती है जिनको तजुर्बा है, हम चाहते हैं उनको ये काम दे और वो ठीक अपना है यहाँ एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस खोलें। तो बहुत और अच्छी बात कही मैं आपने। कलेक्टर साहब से इस बारे में फिर मीटिंग रखूंगा कि हमारे यहाँ जो, और दूसरी एक चीज और बताता हूँ, जो बाजार में गोश्त की मांस की दुकानें हैं मैं चाहता हूँ वो भी वहां से हटे ठीक और है हटके एक अलग कंपाउंड बन जाए जहां पे मांस लेना हो तो वो बिल्कुल लोग वहां पे जाएं, मीट है ये सब चीजें, जी। मुर्गे की मछली की और दुकान वहां है, एक साफ प्रॉपर सफाई जैसे भी हो, सब्जी मंडी होती है साफ सफाई ऐसे भी ही, हो, हाँ साफ सफाई हो, वो प्रॉपर फिनाइल से धुलाई हो, हाँ नाली में अपना पानी निकल जाए, इस तरीके का हमने। और मैं अभी अपने जो ATP अनुराग उनके साथ मैंने 2-3 जगहों पर विजिट भी कराया, जी, ऑलरेडी चल रही है प्रोसेसिंग, लेकिन अच्छी बात है। कोविड की वजह से थोड़ा हमारे को हाँ काम करने का मौका इतना हाँ मिल नहीं थोड़ा पाया, अभी अभी परेशानी चल पर रही है। ट्राई चलिए माय बेस्ट जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो अच्छी सकता बात है। तो ये हुई। उसके बाद ये जो बेसिक बात है जो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि चेयरमैन साहब का ध्यान दिलाइए इस बात को कि कुछ अतिक्रमण भी हो रहे हैं, और अतिक्रमण तो होते रहते हैं सबके जी पीरियड में होते जी हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हो रहे हैं। तो दूसरा एक प्रश्न ऐसा आया था कि जो किसी के लिए व्यक्तिगत हो सकता है, वो सज्जन एक संस्था चलाते हैं अपनी एजुकेशन काफी पुराने हैं, उनका मामला मेरे पास आया था और अपनी नगर परिषद से कुछ लोग मांग रहे थे और उनके मकान की नोक जो कुछ करी गॉड नोज क्या थी और उसमें क्या ग्रीवेंसेस है मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि 40,000 की पेनल्टी इम्पोज की गई उन पे। उन पर, अच्छा कि साहब का मकान नक्शे के बिना है या जो आपके नक्शे की जमीन है उससे आगे है पीछे है जो भी है मुझे एक्चुअल पता नहीं। तो मैंने कहा चलो वो तो किसी हिसाब से नियमों के तहत लिया होगा, जी पर मेरा कहना ऐसा है कि इस पर आप थोड़ी सी नजर रखें कि देखिए वाकई
जो अतिक्रमण कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जो प्रेशराइज करने में माहिर होते हैं, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ निकाल लेते हैं और रातों रात कंस्ट्रक्शन भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए कि आम आदमी में थोड़ा सा लगता है कि हमें ही कोई दबाया जा रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आती है। देखिए, मेरी तरफ से मेरा पूरा ये प्रयास है कि जो अतिक्रमण के मामले, इसमें क्या होता है साहब, कोई अगर वो देखो ना साहब, अब वो हमारे मिलने वाले तो उनसे फोन करवा के, अब वो भाई भाई का छज्जा तोड़वाने के लिए इमेजिन फोन करते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं साहब। तो मेरी कोशिश ये रहती है, कल ही मेरे पास दो सज्जन लोग आए ऑफिस में और कहने साहब वो मेरे मिलने वाले थे, आप उनसे कहिए और हमारा ये वो गलत बना रहे हैं, उनको रुकवाइए, पुलिस भेजी। मैंने कहा अच्छा वो कौन है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा साहब वो भाई है हमारे। मैंने सर को कर दिया, मैंने कहा भाई हो के लड़ाई कर रहे हैं और आपस में वो हाँ। मैंने कहा दिल बड़ा रखिए साहब, अगर कोई इतनी जगह ले आज यही देखिए, जब तक समाज में भी एक अपना वो चीज नहीं पैदा आएगी कि लोग थोड़ी सी गुंजाइश रखें, वरना तो लड़ाई के लिए इतनी सी जगह पे जिंदगी भर के ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं इंसान के। बिल्कुल सही। तो निभाना बहुत, मतलब बिगाड़ना बहुत आसान है जी, निभाना ही तो एक चीज है। ये आप दुनिया में आए हो तो उसका मकसद ये है कि आपको के साथ रिलेशन लोगों के अच्छे रखने जी, तो आप कामयाब रहेंगे जिंदगी में। सबर जो कर लेता है इंसान, जिसमें पेशेंस होते हैं, वो कभी नुकसान में नहीं रहता, उसका सौदा नुकसान का नहीं रहता। ये मेरा तजुर्बा है और मुझे भी अपने बड़ों ने समझाई ये बातें, वो मैं आपके वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आप करेंगे ही करेंगे, तो हमारा तो आपसे यही कहना है कि जो कुछ आपने कहा है मालिक आप, तो वो सब काम पूरे करने की शुक्रिया आपका, ताकत दे आपकी, दुआएं चाहिए बिल्कुल हमें, और व्यवहार आपका है तो बिल्कुल जितना सुंदर है काम भी उतने सुंदर नजर आ जाए, बिल्कुल यही कोशिश रहेगी। क्योंकि आप अदरवाइज मत लीजिए, जब आप चेयरमैनशिप पर बैठे, पद ग्रहण किया आपने, बहुत से लोगों के ऐसे ये आए, मेरे पास भी आए और भी बाजार में आए कि भाई अनएक्सपीरियंस्ड जी जी एक यंग लड़का है, तो मैंने रिटर्न में कुछ नहीं कहा, मैंने लेटर सी जस्ट वेट एंड वॉच क्या करता है। हम ऐसे किसी के बारे में प्रिज्यूम कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि उन सबके जो दिमागों में, जहन में अदरवाइज दूसरी बातें हैं आपको लेकर, वो भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर होंगी और उनको भी लगेगा कि वाकई उन्होंने उनका चुनाव, उनकी पसंद गलत साबित नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपन जल्दी ही फिर कभी प्रोग्राम बनाएंगे और जी जी जरूर मिलेंगे। वो चालू रहेगा, उनको बुलाओ, ऑफ नहीं हुआ। Yeah, no problem.